आप लोग और अस्सलाम वालेकुम नुबा एंड जोहा क्या हाल है दोनों का ठीक है कैसे खुश हैं चले सो so, आज का जो सेशन है हमारा बिकॉज हम वसल्लम की स्टोरीज कर रहे हैं राइट आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज पहले जो हम स्टोरीज कर रहे थे देखो डिफरेंट स्टोरीज कर रहे थे ना डिफरेंट डिफरेंट जगह से और हम कोई थीम ले रहे थे जैसे हमने पहली दफ़ा क्या किया था हमने लास्ट टाइम ऑनेस्टी किया था ठीक है और हमने कहा था ऑनेस्टी एंड फेयरनेस जिसपे नुबा ने हमें वो किया था और उससे पहले क्या किया था काइंडनेस किया था आज हम बेसिकली जो है ईयर और कुछ को देखेंगे जहाँ नजर आती है, ठीक है? नहीं नहीं फॉरगिव है आप आपको तो मैंने बताया नहीं mm -hmm. है तो एक्चुअली देखो अब आप पहले एक बात समझो कि वसल्लम की एज क्या थी फोर्टी थी जब उनको अल्लाह जो है ना उनपे कुरान की फर्स्ट आयात जो है ये वो फोर्टी ईयर्स ओल्ड अल्लाह ने उनपे एंजल जब्राहल के ज़रिए से कुरान रिवील किया सब बच्चों को ये बात पता है एंड एक तरफ तो वो बहुत बड़ा प्रिविलेज था एक तो बहुत खुशी की बात थी बट एक्चुअली आप सोचो हुआ कि कितनी बड़ी टास्क थी हमारे प्रॉफिट के पास कितना बड़ा काम अल्लाह तला ने उन्हें दिया था कि आप लास्ट नबी हैं ठीक है और आपने सारे लोगों को गाइड करना है आपने सारे लोगों को बताना है कि हक सच मैसेज जो है ना क्या है अल्लाह कौन है और किन चीज़ों से कैसे जो है ना कैसे रहना होता है क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है राइट so, अब देखो क्या हुआ कि प्रोफेसर ने शुरू के कुछ टाइम में तो जो है ना किसी को कुछ भी नहीं बताया सिर्फ हजरत खतीजा को पता था जो अर्ली उनकी जो वाइफ थी हजरत अबू बकर को पता था हजरत अली को पता था जो छोटे थे वो उस तो वक्त ठीक है और उनके घर में ही रहा करते थे इसी तरह कुछ और कंपेनियंस को पता चलना शुरू किया बट किसी को पब्लिकली जाके नहीं किया जैसे देखो नुकबा के माम बाबा बयान करते हैं ना हम लोग क्यों बयान करते हैं कि लोगों को अच्छी बात बता रहे होते हैं सुहा मामा भी कभी क्लासेस पढ़ाती थी कि अच्छी बात बतानी होती आप लोग भी अच्छी बातें बताते हो प्रोफेसर साहब उस वक्त ना किसी को अच्छी बात नहीं बता रहे होते थे पब्लिकली जाके किसी को अभी मक्का में हाँ फ्रेंकली नहीं बता रहे थे ओपनली नहीं बता रहे थे मक्का में किसी को नहीं पता था कि अभी वो प्रॉफिट है बस थोड़े से लोगों को पता था अब क्या हुआ कि जब कुछ टाइम गुजरा और इस पे तो अल्लाह ताला ने सूरह शूरा ये ट्वेंटी सिक्स सूरत है ठीक है ट्वेंटी सिक्स सूरत है और इसकी वर्स नंबर टू हंड्रेड फोर्टीन है अल्लाह ताला ने प्रोफेसर को एक एक, एक हुक्म दिया ठीक है कमांड दी और मैं उसकी उस आयत का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ता हूँ अल्लाह ताला ने पता है क्या कहा अल्लाह के नबी को अपने नबी को क्या कहा वह अनजर अशीर तकल अकरबीन वह अनजर क्या होता है कुछ पता है यार बेटी ठीक है क्या आप वह अनजर वह अनजर हाँ वह अनजर कि आप क्या करें आप वॉर्न करें प्रोफेसर को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप वॉर्न करें किसको अपने क्लोज को वार्न वार्न करें warn किस करें किस चीज से कि उनको बताएं कि जो लाइफ आप लिव कर रहे हैं ठीक नहीं है आइडल्स को जो है ना स्टैचूज को जो है ना इबादत करना और कहना कि यही गॉड है और अल्लाह ताला को ना जानना तो अब पहली दफा प्रॉफिट मोहम्मद सलम को अल्लाह ने परमिशन दी कि आप क्या करो कि आप जो है ना अपनी जो फैमिली है ना सारी जैसे नुबा और जोहा हमारी फैमिलीज होती है ना कौन होती है फारे? जैसे जोहागी मामा हमारी फैमिली है ना कजन है ठीक है कि अपने कजन को बुलाएं अपने ट्राइब के लोगों को बुलाएं जैसे चाचू मामू ताया फ्फो ये सब क्लोज कजन होते हैं ना तो प्रोफेसम उनको भी कहा कि आप अपने अंकल्स को अपने सब लोगों को बुलाएं और उनको बताएं अब ये बात अब इसको सीक्रेटली नहीं करना और अपनी फैमिली को सबसे बुलाएं अब ये जो है ना ये स्टोरी हजरत अली नेट ने करें बिकॉज अभी हमने क्या कहा था हजरत अली कौन होते मुसलमान हो चुके हुए थे ना हजरत अली बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं वो कहते हैं कि प्रोफेसर ने मुझे भी हजरत अली भी तो फैमिली थे हलतली की एज कितनी थी पता है उस वक्त जोहा से सिर्फ वन या इयर्स बड़े थे सोचो ही सो जोहा टेन की है तो या की थे? इतने छोटे थे वो ठीक है हाँ तो हलतली ने कहा ने मुझे कहा प्रिपरेशन करें बिग खाने की और उस खाने पर कितने लोग बुलाए तकरीबन फोर्टी फाइव लोगों को दावत दी फोर्टी फाइव इतने ज्यादा नंबर होता है ठीक है So, सो कहते और अच्छा उस वक्त सिंपल टाइम्स हुआ करते थे तो, तो हस... वो इस घर के बाहर बैठ जाया करते थे ना ठीक है तो सिंपल सिंपल वो होता था तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने उनको उन्हों हरतली को कहा कि आप ऐसा करो कि थोड़ा सा जो है ना वो ले आओ मीट ले आओ ठीक है जो हम खाते हैं जैसे मीट और ए, 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 एक बोल में जो है ना मिल्क लेके आ जाओ प्रोफेसिंग के साथ बहुत पैसे नहीं होते थे ठीक है मिल्क और क्या ले आओ मीट लेके आ जाओ अब सारे लोग आ गए प्रोफेसर सुन के अंकल्स भी आ गए अबू लाहा नाम सुना मैंने ठीक है अबू लहाब और, और लोग भी आ गए ठीक है अब सोचो क्या हुआ कि ये सब के सब लोग जमा हो गए सबको पता था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने खाने पे बुलाया किसी को नहीं पता था क्यों बुलाया अब सब लोग देख रहे हैं बाकी इतना थोड़ा सा खाना है यानी थोड़ा सा मिल्क है ठीक है और थोड़ा सा मीट है प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया उन्होंने थोड़ा सा मिल्क जो है ना उस बोल से पिया ठीक है और थोड़ा सा मीट खा बिल्कुल यानी वन वन लुकमा वन मोर्सल जिसको कहते हैं एंड देन ही टोल्ड हज़रत अली कि आप इसको सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ठीक है अब वो इतना थोड़ा था हज़रत अली कहते हैं कि अगर एक बंदा भी पेट भर के खाता तो क्या होता सारा फिनिश हो जाता एंड सोचो so, उन सब लोगों के सामने 45 लोगों ने वो सारा खाना खाया और फिर भी खाना खत्म ही नहीं हुआ so, सो अब ये क्या हो रहा है ये मिरेकल है ना ठीक है कि उनको एक नजर आ रही है बात कि हाउ तो जब वो सारे लोग खाना खा रहे हैं ना उनको नजर भी आ रहा है ना कि देखो कितनी स्पेशल चीज हो रही है तो खाना खाने के एंड पे ना बिकॉज अबू लहाब को जो प्रॉफिट के अंकल थे कुछ ना कुछ आइडिया हो गया हुआ था कि क्या होने लगा वो खड़ा हुआ ठीक है अबू लाहब खड़ा हुआ और पता है उसने क्या कहा न उसने कहा कि ये जो प्रॉफिट सस्म की तरफ इशारा करके कहा हमारे होस्ट ने यानी हमारा जो मेजबान है जिन्होंने हमें अपने घर बुलाया इन्होंने जादू कर दिया इन्होंने मैजिक कर दिया और ये देखो ये क्या बात हुई ठीक है और रूड तरीके से ना बदतमीजी करके कि ये ये तो मैजिक वाला खाना था उठे और उठ के भी लोग उठते गए बिकॉज सारे खाना तो पेट भर के खा चुके थे सारे चले गए अब सोचो हार्ट कितना सैड हुआ होगा कि उन्होंने अपनी फैमिली को बुलाया और क्यों बुलाया था कि अल्लाह क्या कहा इनको मेरे बारे में बताओ और किसी ने भी वेट ही नहीं किया कि वो प्रॉफिट मोहम्मद की बात सुनते और लहाब ने इतनी रूट बात की सब चले गए हार्ट ब्रेक हुआ होगा तो जो नुबा आप किसी सबको बुलाओ कुछ सोचो कि मैं आज किसी को सबको सब फ्रेंड्स को बुलाए नुबा और कहे कि मैं उन सबको बुलाऊंगी और बताऊंगी कि मैंने कुरान फिनिश किया और आप लोग भी कुरान पढ़े या जोहा ऐसी पार्टी करे कुरान फिनिश करने की सारे फ्रेंड्स आए खेलें कूदें और जब नुबा ने फाइनली जो है ना कुरान फिनिश करने का बताना उससे पहले ही चले जाए रूढ़ होके अच्छा नहीं लगेगा ना तो सोचो प्रॉफिट के हार्ट कितना ब्रेक हुआ होगा लेकिन प्रॉफिट बिकॉज अल्लाह के लिए कर रहे थे ना उन्होंने क्या किया उन्होंने नेक्स्ट डे फिर सबको बुलाया इन्हीं लोगों को दफ़ा दावत दी और सोचो ये लोग जो बदतमीजी करके गए थे ये इतने भूखे थे कि खाना खाने के लिए फिर से आ गए प्रॉफिट मोहम्मद के घर में समझ आ रही हाँ बच्चों को समझ आ रही है? तो अब ये सारे लोग फिर आ गए और इस दफा ना प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया कि बिफोर वो खाना खा के चले जाते तो प्रॉफिट सिस्टम खड़े हो खड़े हो गए अब ये सब फोर्टी फाइव लोग बैठे हुए ठीक है खाना हो रहा है और प्रॉफिट मोहम्मद ने उन लोगों को कहा कि मेरी बात सुनो आप सारे के सारे ठीक है और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं अल्लाह का प्रॉफिट हूं ठीक है और मैं जो मैसेज लेके आया हूँ ना वो अल्लाह ताला की तरफ से और उससे अच्छा मैसेज कोई नहीं क्यों उससे अच्छा मैसेज नहीं है बच्चों के अच्छी चीजें सिखाते थे ना प्रॉफिट मोहम्मद काइंडनेस नमाज पढ़ना ऑनेस्ट होना और अरब्स तो इन चीजों का तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको इस वर्ल्ड में भी बेस्ट होगा और आखिरत में भी में भी बेस्ट होगा ठीक है सो उन्होंने कहा कि और मैं ये इसलिए पता है क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं आप लोगों को बताऊं क्या कह रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे कहा है ठीक है तो अब सोचो प्रॉफिट मोहम्मद कितने हमारे प्रॉफिट क्यूट हैं और कितने लविंग हैं कि उन्होंने पता है लोगों से क्या कहा उनका चलो फिर आप सब मुझे बताओ कि आप में से कौन ऐसा है जो मेरी हेल्प करेगा इस मैसेज को स्प्रेड करने में यानी मुस्लिम हो जाएगा ठीक है मेरा भाई बनेगा सोचो बीइंग द ब्रदर ऑफ द प्रोफेट हाँ प्रोफेसम कह रहे हैं आप में से कौन है जो मेरा ब्रदर बनेगा ठीक है मेरा हेल्पर बनेगा और फिर मेरे जाने के बाद इस मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करेगा कि मैं जब दुनिया तो सो, सोचो सो, जब उन्होंने ये बात कह दी ठीक है अभी अब नहीं नहीं अब अबुल ये गलत आपको आपको नहीं पता ऐसे नहीं हुआ था अभी वो दूसरी स्टोरी है जो आप कह रही अब क्या हुआ कि सारे चुप कोई जवाब नहीं दे रहा सोचो so, प्रॉफिट मोहम्मद ने इतने प्यार से बात किया नो कि ही नहीं है so, जब हजरत अली ने देखा ना सोचो so, जो जोहा वो रफली आपकी एज के थे बस आपसे एक साल बड़े होंगे वो वो खड़े हुए ठीक है और उन्होंने कहा कि ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगा हम तो छोटे से बच्चे हैं ठीक है है सोचो बड़ों सारे बड़े बात कर रहे और जोआ खड़ी होके कुछ कहती है। तो तो भाई वो इतना उनमें करेज था और इतनी लव थी इस्लाम के लिए उन्होंने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा और जब उन्होंने ये कहा ना तो तब ये हुआ कि अबू लाहा खड़ा हुआ और उसने क्या किया उसने हजरत अली का भी मजाक उड़ाया प्रॉफिट मोहम्मद का भी मजाक उड़ाया और जाते जाते हजरत अली के जो फादर थे अबू तालिब उनका भी मजाक उड़ाया और जब उसने इतनी बदतमीजी कर दी यानी तो सारे बाकी लोग भी उठे और वो भी हंसना शुरू हो गए कि हाँ हाँ ये कौन सी फनी बात की है और और किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद की बात नहीं सुनी और सारे फिर चले गए आप दोनों सोचो और जो बच्चे हमारे सुन रहे हार्ट ब्रेक हुआ होगा या नहीं होगा छोटी <coughs> सी बात हमें जब कोई अच्छी ना लगे तो कितना हम सैड फील करते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं कभी दिल सैड हो जाता है तो तो सोचो वो सारे के सारे लोग जो प्रॉफिट की अपनी फैमिली है प्रॉफिट मोहम्मद की उनकी बात नहीं सुन रहे और वो कोई गलत बात तो नहीं कर रहे थे ना वो तो अल्लाह की और अल्लाह ने उनको कहा था सो तो पता है इसमें मैसेज क्या मिलता है कभी कभी ना आप लोग जब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए आप लोग अपनी क्लास में जाते हो जो आप स्कूल जाती हो ठीक है अब स्कूल जाती हो कहीं और कजन के साथ हो कभी आप देखोगे कि सब लोग गलत काम कर रहे हैं और आपको याद आएगा कि नहीं 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 ये तो गलत बात हो रही है ये तो ऐसे नहीं होता इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद ने तो हमें डिफरेंट तरीके तो आप क्या करते आप हो आप सारे हैप्पी होंगे इंस्टेंट पता है क्या होता है बच्चों वो सारे कजन आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते वो आपके साथ रूड होते हैं और कोई आपकी बात नहीं सुनता तो देखो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है ना जैसे प्रॉफिट मोहम्मद के साथ हुआ बट हमें होप नहीं लूज करनी लेसन क्या है कि हमें फिर भी एफर्ट करनी बिकॉज हम किसके लिए कर रहे हैं अल्लाह लिए कर रहे हैं राइट बिकॉज हमारे प्रॉफिट ने देखो इतने सारी उनकी अपनी फैमिली कजन से मजाक उड़ाया लेकिन वो फिर भी जो है ना वो वो अल्लाह ताला से जो है ना उन्होंने अल्लाह में होप नहीं लूज की अब देखो मजे की बात क्या कि कुछ दिन गुजरे कुछ ऐसा गुजरा और अब प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह तला ने कहा कि अब आप पूरे मक्का को बताते टेल एवरीबडे अब सोचो व्हाट अ डिफिकल्ट थिंग टू थू नुकबा और दोहा? याद है मुझे याद है जब नुकबा छोटी थी ना तो इसकी स्कूल में प्रेजेंटेशन थी असेंबली में नुए। कितनी नर्वस थी आप फर्स्ट टाइम आपकी प्रेजेंटेशन हाँ जिसके बारे में कि कितना मैं सबको कैसे फेस करूंगी क्या कहूंगी राइट हालांकि सब कितने गौर से प्यार से स्कूल में सुन रहे होते हैं प्रॉफिट मोहम्मद को सोचो कि सारों के सामने जाके अल्लाह ताला के बारे में बताना था उन्होंने क्या किया कि वो माउंट सफा पे जो है ना उन्होंने क्लाइम किया ठीक है ये वाली स्टोरी सुनी होगी अक्सर बच्चों ने सुनी होगी एंड ही बडी सब सबको बुला लिया और सब लोग जमा हो गए कि शायद कोई इंपॉर्टेंट बात है उस वक्त क्या होता था कि जब कोई अनाउंसमेंट करनी होती थी ना बिकॉज उस जमाने में माइक्स और फोन नहीं होते थे तो वो माउंट सफा पे जाके जो कहते थे सब लोग आ गए और प्रॉफिट मोहम्मद ने उन्हें कहा कि लोगो अगर मैं आपको बताऊं कि इस माउंटेन के पीछे एक आर्मी खड़ी है जो आपको अभी अटैक कर देगी तो आप हमें मेरी बात मानोगे सब ने फौरन कहा कि यस हम मानेंगे क्यों क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं राइट क्योंकि हमें पता है आप सच्चे तो प्रॉफे मोहम्मद ने कहा कि देखो अगर आपको पता है ना कि मैं सच्चा हूं तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि अल्लाह कौन है अल्लाह एक है और मैं कौन हूं मैं उनका प्रॉफिट हूं और इस्लाम जो है वो ट्रू रिलीजन है आप इस बात को मान लो और जैसे ये बात थी अगेन जो नकबा कह रही थी अबू लाहब खड़ा हुआ और क्या हुआ उसने कहना शुरू कर दिया कि आपने हमें इसलिए जमा किया था कर्स भी अपॉन यू आप बहुत बुरे हो और का मजाक उड़ाना शुरू हो गया और उसकी वजह से बाकी लोग भी क्या हुआ उन्होंने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और सब दिया चले गए क्योंकि किसी का दिल नहीं कर रहा था ना इस्लाम कबूल करने का अभी सारे देखो कभी पता है कभी क्या होता है कि ऐसे होता है देखो अच्छा देखो नकबा आपको मैं ऐसे नकबा का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि अगर एक मजाक उड़ा रहा है तो बाकी सारे क्यों उड़ा रहे हैं पता है क्यों देखो आ, आप कभी कभी अगर क्लास में हो स्कूल में हो अपनी क्लास में हो या कजन्स के साथ हो आपसे कोई गलती हो जाती है ठीक है हुँ. या आप कुछ कर रहे हो छह आठ फ्रेंड्स खेल रहे थे एक कोई जो है ना आपकी फ्रेंड या एक जो उस ग्रुप में बच्ची है वो रूड है ठीक है और वो आपका मजाक उड़ाती है अब देखो बाकी सारे क्या करते हैं वो भी हंसना शुरू हो जाते हैं होता है ना ऐसे होता है अक्सर ऐसे होता है कि बाकी लोग ना किसी गलत करते को उसके पीछे लग जाते। ने अब ने मजाक दफा उनको एड्रेस कर रहे अल्लाह की तरफ बुला रहे और पूरा सिटी क्या कर रहा है वो तो उनको रिजेक्ट कर रहा है अब देखो दोनों बच्चों में आपको एक मजे एक अजीब बात दिखाना चाहता हूँ अगर आपको समझ आए कि कितनी अजीब बात है कि ये वो प्रॉफिट ऑफ अल्लाह जिनको पता है उनके जब तक वो प्रॉफिट नहीं बने थे ना लोग उनसे इतना लव करते थे कि वो कहते थे कि वी आर सो लकी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो हमारे बीच में से हैं तब वो सिर्फ उनको मोहम्मद के तौर पे जानते थे उनको तो नहीं पता था प्रॉफिट कि इतने अच्छे एंड अब जब वो उनको अल्लाह के बारे में बता रहे हैं तो क्या हो रहा है कि लोग उनके अगेंस्ट होना शुरू हो गए इस्लाम, इस्लाम नहीं चाहिए था बिकॉज वो कह रहे थे कि बस वो गलत तरफ शैतान उनको क्या कर रहा था पर गलत पर तरफ ले जा रहा था ठीक है और सोचो इससे हमारे प्रॉफिट का हार्ड जो है उन पर कितना यह हार्ड होगा कितनी उनको पेन हो रही होगी कि मेरे ही लोग जो है ना मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं मेरी बात ही को नहीं मान रहे ठीक है सो so, देखो हम नुखबा देखो नुकबा जोहा जब हम आपको बताते हैं जो आपको मामा बताते हैं कि अच्छा काम करो कहते हैं और फिर क्या कहते हैं कि अच्छा काम जब करोगे जब कोई चीज राइट करोगे तो फिर रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा मिलेगा, मिलेगा ना हमारे प्रॉफिट अच्छा काम कर रहे थे रिवॉर्ड मिल रहा था नहीं नहीं नहीं, नहीं उस वक्त रिवॉर्ड रिवॉर्ड लोग रिवार्ड कर रहे थे नहीं। नहीं ना लोग नहीं। तो रूड हो रहे थे हाँ सवाब तो मिल रहा होता है लेकिन देखो हम हमें तो दुनिया में भी रिवॉर्ड मिलता है नुकबा ने कुरान खत्म किया हमने नुकबा के लिए इतना गिफ्ट ले किया है सारा कुछ किया हाँ ऐसे किया ना मत माँ वापस करते हैं अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई अच्छी चीज ठीक है कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो उसकी मामा उसको हक करती है उसको गिफ्ट लेके देती है राइट सो प्रॉफिट मोहम्मद ठीक चीज कर रहे हैं एंड येट उनके साथ क्या हो रहा है कि उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है इस वर्ल्ड में है ना सैड होती ना कितना कितना डिसहार्ट होता है बंदा बट हमारे प्रॉफिट ने तब भी देखो क्या किया कि होप लूज नहीं की और अब सोचो जो आहिस्ता आहिस्ता ना अब इस स्टोरी के बाद क्या हुआ कि लोगों को पता चल गया कि ये जो है ना प्रॉफिट मोहम्मद और इनके साथ जो थोड़े से लोग हैं ना जो इनके फ्रेंड्स हैं ये सारे मुस्लिम हैं और ये एक न्यू रिलीजन की बात कर रहे हैं बिकॉज अब तो, तो सबको बता दिया था ना कि वो है तो जो थोड़े से लोग हजरत अबू बकर हजरत हजरत अली हो ये ये जो सारे लोग अब थोड़े बहुत थे टेन फिफ्टीन लोग थे शुरू में ये जो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ थे ना लोगों ने कहा इनको मार उनको इतनी प्रोसिक्यूशन करते थे सोहा इतना मारते थे जिस जिस को मिलता था ना जस्ट नॉट बिकॉज कि उन्होंने कोई गलत काम किया जस्ट बिकॉज उनका अच्छा ये मुस्लिम है इसको मारेंगे इसको नहीं छोड़ेंगे ठीक है लोगों ने उनको जॉब से निकाल दिया कुछ सहाबा को ठीक है कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि रिश्ते टूट जाएंगे सब खत्म हो जाएगा इतनी आप सोचो कि वो लोग जो इस्लाम लेके आ रहे हैं अल्लाह की खातिर जो मुस्लिम हो रहे हैं उनके साथ कितनी डिफिकल्टी होती जा रही है उनके साथ क्या होता जा रहा है कितनी डिफिकल्टी होती जा रही है और इतनी उनके लिए हर चीज मुश्किल होती जा रही है अब सोचें कि एक मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ इस सारी स्टोरी के बीच में क्या हुआ कि प्रॉफिट लेकिन अपने अपनी इरादे में जो उन्होंने डिसीजन किया था कि मैं ये अल्लाह के लिए कर रहा हूँ बिकॉज अल्लाह मुझसे चाहते हैं इतने पक्के थे इतने पक्के थे कि ही वॉज नॉट विलिंग टू गिव अप यू नो द स्टोरी तालिब के साथ फिर क्या हुआ हा क्या हुआ सूरज

हजतबू तालब को आके ना कुरैश के जितने लीडर्स थे ना ये अबू लहब वगैरह इन सब ने कहा कि बस कर दें हजतबू तालब को क्या कहा कि बस कर दें अपने नेफ्यू को समझा लें यानी प्रॉफिट मोहम्मद को समझा लें कि अब ये जो है ना इस्लाम की बात करना बंद कर दें उनको क्यों कहा देखो अगर नुकबा स्कूल में कोई गलत काम करती है ठीक तो है तो टीचर किसको बुलाती हैं मुझे बुलाती हैं आप फिर भी नहीं आपको बुलाती हैं आप फिर भी नहीं मानती फिर भी गलत काम करती फिर किसको बुलाती हैं फिर भी नहीं मान रही फिर क्या करेंगे? ने कोई गलत काम नहीं किया था के बड़े कौन थे उस वक्त हस्तबू ताब थे तो कुरैश के सारे लीडर्स हस्तबू तालिब के पास गए और उन्होंने उनको जाके क्या कहा कि आप अपने नफियो से कह दें कि बस कर दें ठीक है वरना अच्छा नहीं होगा कुछ तो हजरत अब ना बिकॉज वो हजरत अबू तालिब जो थे सॉरी वो वो मुसलमान नहीं हुए थे ठीक है ही वॉज नॉट ए मुस्लिम अब उन्होंने क्या किया उन्होंने प्रॉफ़िट मोहम्मद को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे बस कर दो अबू तालिब कह रहे हैं ठीक है अब देखो तो फादर की तरह है ना ठीक है उन्होंने ख्याल रखा उनका मेरे बेटे बस कर दो यानी इतना मेरे पे बर्डन नहीं डालो और मुझे ऐसी पोजिश जो मैं ना उठा सकूँ कि इतने लोग आपकी वजह से इतने लोग मेरे पे जो है ना क्या कहते हैं प्रेशर डाल रहे हैं जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कभी कभी मैं नुब्बा को रात को सोते हुए कहता हूँ कि नुखबा प्लीज सो जाओ मैं बहुत थका हुआ अब नुबा को नींद नहीं आ रही होती तो नुखबा का नुबा सोना भी चाहती है बट सो नहीं सकती तो अंदर से हार्ट सैड फील करता है ना नुब्बा का कभी कभी कि काश मैं सो सकती बाबा के लिए तो प्रॉफिट मोहम्मद को उसी तरह अबू तालिब कह रहे हैं कि प्लीज बस कर दो ठीक है और इतना बर्डन नहीं डालो मेरे पे ठीक है तो अपने ये नहीं, बेसिकली कह रहे हैं कि छोड़ क्यों नहीं देते अपने मैसेज को देना सोचो प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा उन्होंने कहा कि मेरे अंकल मेरे चचा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ लोग सन को अब ये ठीक है मेरे राइट हैंड में रख दें मेरे एक हाथ में रख दें और मून को मेरे दूसरे हाथ में रख दें ठीक है और मुझे कहें कि मैं ये अपना काम रोक दूं यानी मैं अल्लाह को बारे अल्लाह की तरफ बुलाना रोक दूं मुस्लिम लोगों को करना रोक दूं मैं फिर भी नहीं रुकूंगा सिर्फ अल्लाह ये के या तो मुझे किल कर दें या मे, मेरी लाइफ खत्म हो जाए या मैं विक्टोरियस विक्टोरिया सोचा मैं सबको अल्लाह की तरफ बुला दू जब उन्होंने ये जवाब सुना ना अबू तालिब ने तो पता है उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा मेरे बेटे जाओ फिर करो जो आपने करना है यानी वो इतने हैप्पी हो गए ठीक है उन्होंने कहा कि मैं फिर आपको नहीं छोड़ूंगा बल्कि मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा विच मीनस वर्ट कि देखो जब हम कुछ कर रहे होते हैं ना जब आप कोई अच्छी बात कर रहे होते हो ना तो मैंने आपको क्या समझाया कि टाइम्स लाइफ में क्या होता है सब बच्चे कि आपको उस अच्छी बात का आखिरत में तो अजर मिल रहा है लेकिन दुनिया में कोई जरूरत नहीं है सच बोलने की हा? कोई जरूरत नहीं है काइंड होने की लेकिन आपको क्या करना है उस अपनी अच्छी बात पे डटे हुए रहना है क्या करना है यू हैंग ट्रूथ राइट नुकबा

के लास्ट जो है ना क्या कहते हैं क्या होता है हज का सीजन आ जाता है सॉरी ठीक है और ये वो हज है जब अभी इस्लाम वाला हज नहीं वो जो पुराना हज चला आ रहा था ना वो था और उसको भी उन्होंने किया था और बिकॉज हज तो मक्का में होता था जैसे आज भी होता है, है? जो छोटी सी थी टू ईयर्स की जब इसकी मामा हज पे गई थी मेरे ख्याल से हजो जहा भी गई थी वही तो कह रहा हूँ ठीक है सो जोहा क्या होता था कि हर सिटी से लोग क्या करते थे हज के लिए आ रहे होते थे और सारे वक्त कैसे आते थे पैदल आते थे ऊंट पे आते थे हॉर्सेस पे आते थे और तो कोई तरीका नहीं था ना थे, कार्स नहीं थी इन्होंने क्या किया वलीद बिन एक, क्या हैं बंदा था अगर ये सारे लोग हज पे आएंगे तो ये तो को अगर देखेंगे और सुनेंगे यहाँ एक न्यू रिलीजन आया हुआ तो ये लोग क्या हो जाएंगे मुस्लिम हो जाएंगे उन्होंने कहा पता क्या करते हैं हम हर रूट पे जो है ना हर रास्ते पे लोगों को खड़े कर देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मक्का में एंटर करने के फाइव रास्ते थे ना उन्होंने क्या किया हर रास्ते पे अपने लोग खड़े कर दिए और जो भी ट्रैवलर आ रहा होता था ना जो ठीक है उस ट्रैवलर को रोकते थे और कहते थे आप मक्का जा रहे हो हज के लिए जा रहे हो अच्छा हम आपको एक बात से बॉन्ड करना चाहते हैं क्या आपको पता है मक्का के अंदर ना कि एक बंदा है जो कि मेजिशियन है जो कि फॉर्सर है हाँ हम झूठ बोलते थे प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कह रहे थे कि ये जो ये जो बंदा है सबको गलत बातें बताता है और इससे बच के रहना ना ना इसकी बात बात सुननी है ना इससे बात करनी है इससे करनी बस अगर आपको ये नजर आए भाग जाना ठीक है अगर आपको ये नजर आए तो क्या करना है इससे भाग जाना ठीक है अब सोचो अब मैं आपको इसकी, इसकी अब वो अब हर एक को ना वो वॉन्ट करते जा रहे थे ऐसे अब प्रॉफिट मोहम्मद को भी ये बात पता चल गई सो आप सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद के लिए सोचो कितना सैड फील किया होगा उन्होंने कि मेरे अपने लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं तो देखो जोहा जो है वो अपने घर जो है ना अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाती है ठीक है ठीक और कोई जोहा का एनिमी अगर हो वो क्या करे कि जोहा के घर के बाहर खड़ा हो जाए और हर एक को कहना शुरू हो जाए कि जोहा के घर नहीं जाना ये बहुत गंदी बच्ची है नहीं? और तो जो आप कितना सैड फील करोगे है ना और सोचो यहाँ तो प्रॉफिट मोहम्मद के अपने सिटी के लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में कि वो मजिशियन है उनकी बात नहीं सुननी आपने उनके पास जाना नहीं है ठीक है वो, तीज़ीव, वो तीज़ीव नहीं नहीं ये वो तो, तो वो कोई और स्टोरी है अब सोचो क्या वो ठीक है कि अल्लाह ताला भी तो अल्लाह ताला है ना ही इज ऑल पावरफुल ही कैन डू एनी थिंग राइट सो वट आर पीपल ट्राइंग टू डू जो लोग इस्लाम के एनिमीज हैं कि वो सबको रोक रहे हैं कि जब आप मक्का जाएंगे हज के लिए आपने मोहम्मद की बात नहीं सुननी

नहीं होता अपने कानों में डाल और मैंने कहा मैं इस बंदे की बात ही नहीं सुनूंगा ठीक है क्योंकि उन्होंने उन्होंने कहा उन्हों तो एक सबको थे। क्या सुनाते क्या थे क्या पढ़ते होंगे कुरान।, कुरान देखो कुरान हमें अच्छा लगता है ना हालांकि समझ नहीं भी आ रहा होता बट कितना मैजिक मैजिक तो नहीं कहेंगे उसको लेकिन कितना मेरे कल है कुरान राइट तो प्रॉफिट सोचो हमें आज कुरान अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं अगर हमें मौका मिल जाता कि हम प्रॉफिट मोहम्मद से कुरान सुन रहे होते हाउ अमेजिंग यानी उनसे अच्छा कोई रिसाइड कर सकता है तो सोचो इसलिए कुरैश यही डरते थे कि अगर प्रॉफिट ने किसी को कुरान सुना दिया तो, तो फिर मुस्लिम हो जाएगा शायद तो तुफैल बिन नामिर दौसी ने क्या किया कानों में रुई डाल ली और हज के लिए चले गए अंदर अब तो फैल भी नाम पता है कहते हैं कानों में रुई डाली हुई है कि मैं मैंने मोहम्मद से नहीं, मिलना। उन्हें नहीं पता कौन है, कहते है मैं तवाफ कर रहा था। अब दोनों नजर एक बंदे पे पड़ी और वो इतने खूबसूरत थे वो बंदे इतने खूबसूरत थे कि मेरा हार्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया और मैंने कहा मैंने इनके पास जाना है तो मुझे किसी ने कहा हुआ हुआ ये वो है जिनकी हम बात कर रहे हैं कि मैंने जब किसी पूछा ना कौन उन्होंने कहा यही तो वो मजेशन है इसके पास नहीं जाना यही मोहम्मद है ठीक है अब सोचो सोचे एक तरफ उनको डराया गया उन्होंने कानों में रोई डाली हुई दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि उनका हार्ट उनको क्या कह रहा है कि ये इनके पास जाना है तो कहते हैं मैंने अपने आप से सोचा कि मैं लोगों का लीडर हूँ ठीक है ना ठीक, है? ठीक, है? ठीक है? और मैं बड़ा हूँ मैं अकलमंद हूँ क्या हो क्या मुझे आई शुड लिसन टू वट ही मुझे सुन लेना चाहिए उनकी बात देखते हैं वो क्या कहते हैं बिकॉज मेरा हाथ इतना अट्रैक्ट हो रहा था कहते मैंने रोई निकाली नीचे और मैं चला गया प्रॉफिट मोहम्मद के पास और मैंने कहा कि आप क्या बताते हैं। और कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने मुझे अल्लाह ताला के बारे में बताया और फिर कुरान पढ़ा एंड तो कहते मैं तो उसी वक्त मुस्लिम हो गया तो सोचो हाउ अमेजिंग एक तरफ कुरैश वाले रोक रहे हैं

के, के आप कलमा पढ़ो बहुत अच्छा मुसलमान हो गया तो लेकिन तो ऐसे नहीं होता जब जब, जब कलमा जब पढ़ते ना हम ला अल्लाह ठीक है इसकी टू कंडीशंस होती है तो नुकबा ने क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई कलमा पढ़ ले किसी नॉन मुस्लिम को कहे कि आप ये कलमा पढ़ लो बड़ा अच्छा हो जाएगा और वो कलमा पढ़ ले तो फिर आप उसे को आप तो मुस्लिम हो गए हो ठीक है तो कलमा पढ़ने की ना टू कंडीशन मुस्लिम होने की टू कंडीशन है क्या है वन है और प्रॉफिट मोहम्मद कौन है उनके आखिरी नबी है उनके प्रॉफिट हैं ठीक है ठीके. दूसरी बात कि आप इसको दिल से भी मानो अगर आप दिल से नहीं मान रहे ना ठीक है मुस्लिम नहीं होते और ये ये दिल से किसको पता चलता है मुखबा दिल से क्लास सुन रही है या नहीं सुन रही है? मुझे पता चल सकता है नहीं।, नहीं किसको पता चल सकता अल्लाह ताला को सो देखो हम इस्लाम किसके लिए लाते हैं अल्लाह ताला के लिए लाते हैं तो इफेक्टिवली इसलिए कौन मुस्लिम है ना वो अल्लाह को फिर पता चल जाता है अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता राइट सो so, आज हमने क्या लर्न किया आज के सेशन में और आज का लेसन क्या है क्या बच्चों ने ये याद रखा है कि जब आप अच्छी चीजें सीख रहे होते ना बिकॉज रुहानुबा आप लोग जैसे जैसे बड़े हो गए और हमारे जितने बच्चे सुन रहे हैं ठीक है सारे के सारे आप सब ये बात याद रखो कि वेन यू ग्रो अप बिकॉज आप, आप लोग माशाल्लाह देखो अगर आप ये सुन रहे हो ना इसका मतलब है आपके पेरेंट्स को फिक्र है आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप अच्छे अमेजिंग बच्चे बनो बट रियलिटी ये कि हमारी सोसाइटी में हर कोई अच्छा नहीं होता कभी कभी कोई गलती से गलत काम कर रहा होता है किसी को किसी ने सिखाया ही नहीं होता कुछ होता ही गंदे बच्चे ठीक है So, आपने उनकी वजह से कभी क्या करना है जोहा परेशान नहीं होना डरना नहीं है आपने क्या करना है अच्छे कामों पे रहना है ठीक है जी काफी है आज के लिए दुआ कर ले जल्दी से दुआ कर लो सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا الله يا رحم الراحمين أم جو सारी बातों पे अमल करने की तोफीक अता फरमा इन प्यारे बच्चों को इन सारे बच्चों की दुआओं को कबूल फरमा इन्हें नेक साले बना इन्हें हमारे नबी जैसा बना इन्हें हमारे नबी जैसी सिफात अता फ़रमा अल्लाह ताला जैसे जैसे ये बच्चे बड़े हों इनकी हिफाजत फरमा इनकी आंख इनको हमारी आंखों की ठंडक बना इनको हमारे लिए सदका जारिया बना इनको दीन पे कायम दायम फरमा इनको दीन से मोहब्बत अता फ़रमा आशिक कुरान बना नाशिर कुरान बना

काइंड होने की तोफ़ी अता फरमा अच्छे कामों में डट के काम करने की तोफ़ी अता फरमा रबना आतना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किनाजा नार आमीन बरहमती कैर हमर रहीमी